दोस्तों अक्सर लोग शिकायत करते हैं उनको पाँव में स्वेलिंग आ रही, सूजन आ रही है या हाथ पाँव सूजन आ रही है। तो मोटे लोगों के अंदर बड़ा कंफ्यूजन रहता है कि मोटापा है या सूजन है। तो आज सिंपल एक तरीका बताता हूँ जो कि आप घर पर कर सकते हैं, खुद टेस्ट कर सकते हैं कि ये स्वेलिंग है या मोटापा है। तो पहला टेस्ट क्या होता है कि उसे बोलते हैं हम लोग डिम्पल टेस्ट। इसमें क्या होता है कि आप जहाँ स्वेलिंग चेक करना, आपको यहाँ स्वेलिंग चेक करना है, तो यहाँ पर आप 20 सेकेंड प्रेस करिए, इसको 20 सेकेंड ऐसे प्रेस करिए अपने अंगूठे से जितना कर सके। घड़ी से 20 सेकेंड देखने के बाद प्रेस किया आपने, अब छोड़ दूंगा इसको मैं। अब छोड़ने और चेक करेंगे कि वहाँ गड्ढा पड़ा, अब यहाँ देख रहे हैं आप गड्ढा पड़ गया, देखा आपने ये यहाँ गड्ढा पड़ा हुआ है, ऐसे करना पड़ेगा। आप देखिए छोड़ने में यहाँ गड्ढा पड़ा हुआ है ये, अब देखेंगे गड्ढा कितनी रहता है ये। अगर ये गड्ढा जो है यहाँ देख रहे हैं गड्ढा ये, और गड्ढा एक मिनट से ज़्यादा रहता है तो स्वेलिंग है, और एक मिनट कम रहता है तो ये फैट है। क्योंकि क्या होता है कि जो स्वेलिंग होती है वाटर होता है वो हट जाता है और एक मिनट पहले वापस नहीं आ पाता, क्योंकि फैट होगा जहाँ प्रेस करो गड्ढा बन जाएगा और छोड़ते वापस फैट वापस आ जाएगा। तो इनका मैं देख रहा हूँ अभी 30 सेकेंड हुआ और 30 आधा मिनट बाद दोबारा चेक करूँगा मैं कि गड्ढा बना नहीं बना है कि नहीं। भी अब देखिए गड्ढा अभी बना हुआ है, बना हुआ अभी गड्ढा अभी भी, ये गड्ढा भी है अभी, तो ये स्वेलिंग है। इस सब में देखोगे यहाँ पर ना, ये मान लो यहाँ देखो यहाँ प्रेस करोगे, देखो यहाँ प्रेस करोगे ये गड्ढा बन गया, ठीक है, और एक मिनट बाद चेक करोगे तो ये गड्ढा ही रहेगा, ये तो अब स्वेलिंग है ये आपको।